Pharmacology of bronchodilators. First introduction. तो bronchodilators ऐसे एजेंट होते हैं जिनका यूज obstructive lung disease जैसे asthma या COPD में करते हैं. ये ड्रग मेनली bronchospasm को डिक्रीज एवं bronchodilation को इंक्रीज करते हैं. क्लासिफिकेशन बेसिस अपॉन मोड ऑफ एक्शन इसे चार क्लास में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है बीटा 2 एगोनिस्ट, एग्जाम्पल है सेल्बिडोमॉल, एल्ब्यूटेरॉल, टर्ब्यूटिलिन और एफेड्रिन. नेक्स्ट मस्कारिनिक एंटागोनिस्ट, एग्जाम्पल है आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड और ट्रायोट्रोपियम ब्रोमाइड. नेक्स्ट है लियोकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट, एग्जाम्पल है मोंटेल्युकास्ट और जेफिरोलोकास्ट. और लास्ट है मेथिलजेंथिन, एग्जाम्पल है थियोफाइलिन, एमाइनोफाइलिन और डॉक्सोफाइलिन. ब्रोंकियोल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन एवं डायलेशन ब्रोंकियल वॉल की स्मूथ मसल में प्रेजेंट ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है. सिंथेटिक नर्वस सिस्टम नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज करता है जो स्मूथ मसल में प्रेजेंट बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन करता है जिसके कारण ब्रोंकोडायलेशन होता है और ल्यूमेन का डायमीटर इंक्रीज हो जाता है. पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइल कोलिन का रिलीज करती है जो स्मूथ मसल में मस्कारिनिक M3 रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है जिसके कारण ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है और ल्यूमेन का डायमीटर डिक्रीज हो जाता है. एस्थमा और COPD के केस में ब्रोंकियल मसल में स्पाज्म एवं क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डैमेज होता है. फर्स्ट एजेंट है बीटा 2 एगोनिस्ट. ये एजेंट इनहेलर्स के थ्रू दिए जाते हैं. ये एजेंट ब्रोंकियल स्मूथ मसल में प्रेजेंट बीटा 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और एडिनिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं. ये एंजाइम ATP से CAMP का प्रोडक्शन करता है. इंक्रीज अमाउंट ऑफ CAMP स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन मींस ब्रोंकोडायलेशन कॉज करता है. इसके अलावा ये एजेंट मास सेल के रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट कर देते हैं जिसके कारण इन्फ्लामेशन एवं स्वेलिंग डिक्रीज हो जाता है. बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बीटा 2 एगोनिस्ट को दो क्लास में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग एवं लॉन्ग एक्टिंग. शॉर्ट एक्टिंग का एग्जांपल है एल्ब्यूटेरॉल और टर्ब्यूटिलिन. ये लिस्ट करते हैं 2 to 4 hours तक. इनका यूज जनरली एक्यूट एस्थमा अटैक में किया जाता है. साइड इफेक्ट है टैकिकार्डिया, पाल्पिटेशन और इंसोमनिया. लॉन्ग एक्टिंग का एग्जांपल है सेलमेट्रोल और फॉर्मेट्रोल. ये जनरली स्लोअर ऑनसेट होते हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होते हैं. इनका यूज एक्यूट एस्थमा अटैक में नहीं किया जाता. साइड इफेक्ट्स हैं टैकिकार्डिया, पाल्पिटेशन और इंसोमनिया. नेक्स्ट एजेंट है मस्कारिनिक एंटागोनिस्ट. इनको भी इनहेलर्स के थ्रू दिया जाता है. ये एजेंट ब्रोंकियल स्मूथ मसल में प्रेजेंट M3 रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और एसिटिल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं जिसके कारण स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है. एप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड शॉर्ट एक्टिंग होता है, 4 to 6 hours का ड्यूरेशन होता है, जबकि टायोट्रोपियम ब्रोमाइड लॉन्ग एक्टिंग होता है, 24 hours का ड्यूरेशन होता है. ये एजेंट्स लेस इफेक्टिव होते हैं एस्थमा में और मोर इफेक्टिव होते हैं COPD में. साइड इफेक्ट देखते हैं तो टैकिकार्डिया, ड्राई माउथ, रेस्टलेसनेस और पीपल डायलेशन. कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं नैरो एंगल ग्लूकोमा के पेशेंट में. नेक्स्ट एजेंट के मैकेनिज्म को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अस्थमा कैसे इनिशिएट होता है. जैसे कोई एलर्जन हमारी बॉडी में इंटर करता है वे लंग्स में प्रेजेंट डेंड्रिटिक सेल द्वारा पिकडअप कर लिया जाता है. डेंड्रिटिक सेल TH2 हेल्पर सेल का ही पार्ट होती हैं. ये हेल्पर सेल साइटोकाइंस को रिलीज करती है जैसे इंटरल्यूकिन 4 and 5 जिसके कारण इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है. ये साइटोकाइन एंटीबॉडी IgE को रिलीज करती हैं जो मास सेल में प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और मास सेल को एक्टिवेट कर देता है जिसके कारण मास सेल में प्रेजेंट फॉस्फोलाइपेज एंजाइम मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड को एरेक्डोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. ये एरेक्डोनिक एसिड COX-2 एंजाइम की सहायता से प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन करता है और 5-lipoxygenase एंजाइम की सहायता से लाइकोट्राइन्स का फॉर्मेशन करता है. रिलीज हुए ल्यूकोट्राइन्स ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल में प्रेजेंट होते हैं. बाइंड होने के बाद ये स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन एवं म्यूकस सेक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन सेम इफेक्ट शो करता है. नेक्स्ट एजेंट है ल्यूकोट्राइन्स मॉडिफाइंग एजेंट. इन्हें ओरली लिया जाता है. फर्स्ट देखते हैं ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ये एजेंट ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल में प्रेजेंट होते हैं और ल्यूकोट्राइन्स के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं जिसके कारण मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एवं म्यूकस सेक्रेशन डिक्रीज हो जाता है. इनहेल्ड एजेंट के कंपेयर में ये स्लोअर ऑनसेट होते हैं. इनका यूज एक्यूट एस्थमा अटैक में नहीं किया जाता. साइड इफेक्ट माइल्ड इफेक्ट जैसे रैसेस, हेडेक. नेक्स्ट है ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर. ये 5-lipoxygenase एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं जिसके कारण ल्यूकोट्राइन का सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है. इनका यूज एस्थमा प्रोफिलैक्सिस में किया जाता है. साइड इफेक्ट है हेपेटोटॉक्सिसिटी. नेक्स्ट एजेंट है मेथिलजेंथिन. इनका यूज ओरली किया जाता है. ये एजेंट फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं जिसके कारण कैम्प से 5-AMP का प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता है. कैम्प का अमाउंट इंक्रीज होने के कारण स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन होता है. इनका यूज लो अमाउंट में किया जाता है. साइड इफेक्ट देखा जाए तो इंसोम्निया, नोजिया एवं वोमिटिंग.
This is about the pharmacology of bronchodilators. If any query, you can contact me through Gmail, Facebook, Blogger and Instagram. Thank you.